15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के दिन अब की बार नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहारों में से एक और हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन नागों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्मानुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन नाग देवता के 12 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने और रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। नाग पंचमी की तिथि 15 अगस्त की सुबह 3:27 पर शुरू होकर 16 अगस्त को दिन में 1:51 पर खत्म हो रही है। इस दिन अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनानी चाहिए और धूप पुष्प आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इंद्राणी देवी की पूजा करनी चाहिए। दही दूध अक्षत जरम पुष्प नैवेद्य आदि से उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके बाद भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन पहले मीठा भोजन फिर अपनी रुचि अनुसार भोजन करना चाहिए। इस दिन द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर कुबेर जी की दया दृष्टि बनती है। मान्यता है कि अगर किसी जातक के घर में किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो तो उसे 12 महीने तक पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से जातक के कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। इसके पीछे जो एक प्रचलित कथा है उसका हम आपको सार बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7ों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंस कर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तो छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सर्प ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वह सर्प हूँ इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं यह काम करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि मैं इनको अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सच सोना चांदी जवाहरात वस्त्रभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने जलन में कहा, भाई तो बड़ा धनवान है तेरा भाई, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का यहाँ हार आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तो मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसने आने पर प्रार्थना की।
उसने अपने सब भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह यह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्ट क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार कर उसे देकर कहा, भी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसने धन को देखकर बड़ी बहू ने जलन कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।